हेलो एवरीवन, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपनी आसपास की चीज़ों को कैसे देख सकते हैं, तो आपका सिंपल से जवाब होगा कि हम अपनी आँखों से देखते हैं। पर क्या इन सब चीज़ों को हम अंधेरे में देख सकते हैं? वेल, ऐसा नहीं होता। हमें कोई सोर्स चाहिए लाइट का, जिसकी वजह से हम इनको देख सकते हैं। और यहाँ पर सोर्स है बल्ब। बल्ब के पास उसकी खुद की रोशनी होती है, और ऐसे चीज़ों को हम बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट मतलब जिसके पास खुद की रोशनी है और वो खुद लाइट प्रोड्यूस कर सकता है, उसको दूसरे की ज़रूरत नहीं होती है। तो ऐसे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के अदर एग्जांपल्स भी बहुत सारे हैं, जैसे कि बल्ब हो गया, सन है और स्टार्स है। ये सब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं क्योंकि इनके पास इनकी खुद की लाइट है, इन्हें दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ती, उल्टा ये दूसरे को रोशनी देते हैं, तो इनको ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। लेकिन क्या हमारे आसपास की चीज़ें जैसे कि चेयर, टेबल और टीवी, ये भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है? इन्हें में तो हम देख सकते हैं। वेल, ऐसा नहीं है, क्योंकि इनके पास इनकी खुद की लाइट नहीं होती है, ये दूसरे के लाइट के जरिए हमें दिखते हैं, इसलिए हम इन्हें नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्योंकि इनके पास खुद की लाइट नहीं होती है, हम ये दूसरे के लाइट के जरिए दिखते हैं। हमारे आसपास की कई और चीज़ें जैसे कि वुड हो गया, प्लास्टिक, मेटल्स और क्लोथ्स, ये सब नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। इन्हें हम देखते तो हैं पर दूसरे के लाइट के जरिए। हम इन्हें देख पाते हैं क्योंकि इन पे दूसरा लाइट पड़ता है। क्या आपने कभी सोचा है कि मून और प्लैनेट्स हमें तो दिखाई देते हैं, पर ये क्या ल्यूमिनस है कि नॉन ल्यूमिनस है? वेल, हमें ये दिखाई तो देते हैं, पर इनके पास खुद की लाइट नहीं होती है, ये सन की लाइट की वजह से हमें दिखाई देते हैं, इसलिए ये सब नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं। पर आपके दिमाग में कई सवाल भी आ रहे होंगे कि जैसे कि हम रात को मून को देखते हैं, तो मून तो चमकते रहता है, तो क्या वो नॉन ल्यूमिनस कैसे हुआ? तो ये सब की वजह एक ही चीज़ है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसकी वजह से हम सारी चीज़ों को देखते हैं। वेल, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है और ये काम कैसे करता है, तो आइए देखते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो डेफिनेशन है वो हमें ये कहता है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज़ अ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट, मतलब जो लाइट का डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है। इसको सिंपल वर्ड में हमें ऐसे भी बोल सकते हैं कि जैसे कि लाइट का जो रे है वो टकराता है किसी चीज़ से, किसी सरफेस से, और बाउंस बैक कर जाता है, वो अपना डायरेक्शन ही चेंज कर देता है। इसका एग्जांपल जैसे कि बॉल जो बाउंस बैक करता है, वैसे ही लाइट का जो रे होता है वो बाउंस बैक करता है किसी सरफेस से टकराने के बाद। तो ये होता कैसे है? तो जैसे ही एक लाइट का जो रे होता है वो किसी ऑब्जेक्ट पर टकराता है और वो हमारी आँखों तक पहुँचता है रिफ्लेक्ट होके, तो उसी वजह से हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। इसी वजह से हम सारे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। सपोज़ हम एक ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने रखते हैं, तो क्या हम उसे अंधेरे में देख सकते हैं? फिर हम उसको नहीं देख सकते, क्योंकि जब तक उस पर लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं होगा हम उसे नहीं देख पाएंगे। उसी तरह जब हम आईने के सामने खड़े होते हैं तो एक रे आता है, वो मिरर पर टकरा के हमारी आँखों में टकराता है, फिर मिरर पर टकराता है। इस तरह हमारा इमेज वो मिरर में बनता है। रिफ्लेक्शन इतना ईजिली भी नहीं होता, उसके कई सारे फिनोमिना है, उसके कई सारे रूल हैं, तो उसको हम आगे की वीडियो में देखेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड व्हाट इज रिफ्लेक्शन। सो बी क्विक, बी लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।